guys, welcome back to my channel Love Yourself Nilufar. So I came up with another super exciting video. फेस्टिव मंथ चल रहा है, फेस्टिव से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे, मैंने कुछ बनाए भी हैं. सो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, अगर आपने मिस किया है वो भी जरूर चेक कर लीजिएगा. बट इस वीडियो में, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो कि आपको थंबनेल से और टाइटल से पता ही चल गया होगा. दिस इज द ब्रांड लोटस, और लोटस इज लाइक बहुत ही अच्छा ब्रांड है और आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा एंड डेफिनेटली आप लोगों में से बहुत लोग इसके प्रोडक्ट यूज़ किए होंगे, उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा. सो यहाँ पर मैं 3 प्रोडक्ट लेके आई हूँ जिसमें से फर्स्ट प्रोडक्ट होगा ये लोटस प्रोएडिट, ये आपका स्ट्रोब है, क्रीम है. सेकेंड में लेके आई हूँ सेम ब्रांड का है. सो ये लोटस प्रोएडिट का आपको यहाँ पर स्केच लाइनर मिल रहा है. एंड थर्ड जो है वो है लोटस प्रोएडिट लिपस्टिक जो कि मैट फिनिश देता है. सो इन तीनों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में, और साथ साथ इसमें क्या बेनिफिट है, क्या इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, और ये कैसे वर्क करता है, और इससे आप कैसे लुक क्रिएट कर सकते हैं इन रेगुलर डेज, वो इस वीडियो में बात करेंगे. सो वॉच दी कंप्लीट वीडियो. पसंद आती है तो वीडियो को करना है आपको थम्स अप, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है. एंड प्रोडक्ट की लिंक्स जो है ना, सारी डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी. और जिनको नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे सर्च करते हैं, वो मैं स्क्रीन में साइड में आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ. सो ऐसा आप इजीली डायरेक्टली आप लिंक में क्लिक कीजिए और आप वेबसाइट में जा सकते हैं. सो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो स्टार्ट करने से जस्ट पहले हम इसके कुछ बुलेट पॉइंट पे ध्यान देंगे. सो फर्स्ट, ये क्रुएल्टी फ्री है, सेकंड ये पैराबिन फ्री है, और थर्ड जो है इट्स मेड बाय 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट. सो ये सबसे प्लस पॉइंट है, और यही तो प्रोडक्ट होते हैं कि लाइक जो हम स्किन पे यूज़ कर रहे हैं, स्किन पे क्या हम हेयर से रिलेटेड भी कुछ यूज़ करते हैं, तो ये 3 पॉइंट जो है ना बुलेट पॉइंट्स होते हैं, वो बेसिकली हम हर प्रोडक्ट में चाहते हैं कि वो चीज़ उसमें इंक्लूड हो या इसके अलावा हो. सो लेट मी टेल यू गाइज, मैंने अभी तक मेकअप कुछ भी वेयर नहीं किया है. जस्ट थोड़ा सा प्रेजेंटेबल के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हेयर पे क्लिप जो है या पिन आप बोल सकते हो, ये मैंने लगाया है. एंड थोड़ा सा अपने ब्राउ को शेप दिया है और लेंस से अप्लाई किया है, दैट्स इट. अब इसके बाद मैं डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करके दिखाऊंगी. इससे एक बेसिक लुक क्रिएट करने की कोशिश करूँगी जो कि हम रेगुलर डेज में जो है लाइक ऑल्टरनेटिव डेज हो, रेगुलर हो, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना है वो कर सकते हैं. और साथ ही साथ मैं इसमें ट्रिक भी शेयर करने वाली हूँ. सो बिफोर आई स्टार्ट, उससे पहले एक चीज़ और ऐड करूँगी. मैं स्किन पर डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट जो है सीधा मैं अपने स्किन पे जंप नहीं करती, उससे सबसे पहले मैं अपने स्किन को प्रेप कर लेती हूँ. दिस इज द मस्ट पार्ट जो कि किसी को भी मतलब ये चीज़ स्किप नहीं करना चाहिए इफ़ यू वांट हेल्दी स्किन, क्योंकि हम कुछ भी यूज़ करते हैं ना उसमें बाद में उसका रिएक्शन पता चलता है. सो फर्स्ट कि आप आपके स्किन को प्रेप कर लीजिए. प्रेप के लिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, फर्स्ट टोनर यूज़ कीजिए, नेक्स्ट आप कोई भी मॉइस्चराइजर, एंड देन फेस प्राइमर. सो दिस इज द प्रोडक्ट, ये है लोटस स्ट्रोब क्रीम, और इसका जस्ट हम ऑल ओवर लुक देखेंगे. ये इतना टाइनी सा बॉटल है, ये एक्चुअली 15 ग्राम का आपको मिलेगा, और इसके ऑल ओवर जो बॉडी है वाइट है, एंड जो कैप है वो आपको मरून या चॉकलेट ब्राउन आप बोल सकते हो, शाइन के लाइक शाइनी है. और इसको जस्ट ओपन करेंगे तो इसका जो टॉप है ये थोड़ा सा निप टाइप के है, शार्प के तरह. तो इसको हम जस्ट अप्लाई करके मैं आपको इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बताऊंगी. सपोज मैंने इतना सा प्रोडक्ट जो है यहाँ पर अप्लाई किया है, और इसको जस्ट थोड़ा सा ना मैं यहाँ पर इसका आपको टेक्सचर देती हूँ कि क्या ये ग्लो देता है कि नहीं. सी, इसमें आपको मे बी लाइट में ज़्यादा नहीं पता चल रहा है. सी, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लाइट जो है यहाँ पर ब्राइटनेस कम कर दी है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर शाइन दिख रहा होगा कि ड्यूट टेक्सचर जो है इमीडिएटली आपके स्किन पे लेके आता है. सो इसे मैं स्टार्ट करूँगी अपने फेस पे अप्लाई करने के लिए. सो इट इज़ हाई डेफिनेशन क्रीम जो कि आपके स्किन को नेचुरल शाइन देता है विदाउट एनी रेसिड्यू. इट इज़ परफेक्ट बेस फॉर फाउंडेशन एप्लीकेशन, और इसे ऐसा आप मॉइस्चराइजर या फिर इल्यूमिनेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. इट कैन बी यूज्ड एज अ हाईलाइटर फॉर योर चीक बोन एंड ब्राउ बोन, जो कि मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि इसे मल्टीपल यूज़ कैसे करते हैं. जस्ट वाओ, आई रियली लव दिस टेक्सचर, क्योंकि बहुत ही स्मूथली जो है ये ब्लेंड हुआ है, एंड यू कैन सी द लाइक डुई एंड जो आपको ग्लो है वो आपको दिख रहा होगा. जस्ट मैंने कुछ खास अप्लाई नहीं किया है, जस्ट टाइनी अमाउंट जैसा मॉइस्चराइजर है वही मैंने अप्लाई किया है, एंड यू कैन सी द ग्लो कि आपको कितना अच्छा ग्लो फैक्टर लेके आ रहा है. सो अगर आपको मेकअप वेयर नहीं करना, आप सिंपली ये भी कर सकते हैं. जस्ट इसको अप्लाई किया एंड देन लिपस्टिक के साथ आप ओके टू गो है. बट मेरे स्किन पे थोड़ा सा आप यू कैन सी द लाइक हाई पिगमेंटेड स्कार्स हैं, जो पिंपल स्पॉट रह फेंक चुके हैं। सो मैं इसको थोड़ा सा कवर करने के लिए ना बहुत ही लाइट सा टाइनी अमाउंट सा इसके ऊपर जो है मैं कंसीलर जिस स्पॉट लाइन जो है वहाँ पर अप्लाई करूँगी एंड देन हम मूव होंगे नेक्स्ट पार्ट पे। सो या यू कैन सी लाइक जो हाईली पिगमेंटेड एरियाज थे मेरे चीक्स पे उसे जस्ट हाइड करने के लिए मैंने टाइनी अमाउंट सा कंसीलर जो है हल्का हल्का स्पॉट एरियाज में अप्लाई किया है, दैट्स इट। और उसके बाद लाइक यू कैन सी द लाइक ये रिजल्ट है। यहाँ पर कोई फाउंडेशन, कोई बेस या कुछ खास यूज़ नहीं किया है, ना पाउडर से सेट किया है। स्टिल यू कैन सी माई डार्क सर्कल जो है ये सारे जो आपके अनइवन स्किन टोन जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी परफेक्ट टूडे बट येस द सेम टाइम मैं थोड़ा सा नेचुरल भी दिखना चाह रही हूँ। लाइक समटाइम्स वी डोंट यूज सच लाइक गुड मेकअप बट स्टिल वी वॉन्ट टू बी लुक लाइक प्रेजेंटेबल या नेचुरल दिखना है। सो उसी बेस पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट मुझे फोकस करना है इसी प्रोडक्ट में कि कैसा वर्क करता है एंड रेगुलर डेज में आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर बेस को यहीं पर रख रही हूँ। नेक्स्ट मूव करेंगे लिपस्टिक पे। दिस इज द लिपस्टिक जो कि लोटस का आपको ऑल ओवर लुक जो है इसका आपको ब्राउन या फिर चॉकलेट ब्राउन शाइनी लुक में आ रहा है। बहुत ही एलिगेंट इसका लुक है क्योंकि शाइनी भी दिख रहा है, क्लासी लुक दिखता है। ये लॉन्ग लास्ट लिपस्टिक है और इसका शेड मैं आपको बता दूं SM01 न्यूड नेचुरल शेड में है। और इसका मैं कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊँगी। ये इसमें जैसा मैंशन है जो कि ये लोग चैलेंज करते हैं, ये नरिशिंग फॉर्मुलेशन के साथ है और ये आपके स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करेगा और साथ ही एट द सेम टाइम आपको मैट फिनिश देगा। सो है ये कैसे यूज करेगा ये भी दिखा देते हैं। सो दिस इज द कलर, एक्चुअल कलर ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। सो हेयर आई एम अप्लाइंग वन स्ट्रोक और बहुत ही स्मूथ लाइक टेक्सचर है जब इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ और इसका पिगमेंट बहुत हाई है। सो यू कैन सी थोड़ा सा पीची शेड है और बहुत ही नेचुरल लग रहा है, न्यूट्रल लुक है। लाइक आप न्यूड शेड में इसको काउंट कर सकते हैं और वन स्ट्रोक में ये सही में बहुत ही अच्छा पिगमेंट दे रहा है। नेचुरल के साथ साथ इसे अब मैं यूटिलाइज करूँगी, इसके मल्टीपल यूज़ क्या है वैसे। तो शेड वाइज इट्स ऑसम, मेरे तरफ से प्लस पॉइंट है। मैं इसको 5 स्टार दूंगी क्योंकि मुझे इसका शेड बहुत अच्छा लगा, न्यूड शेड में है और बहुत ही बेसिक सा न्यूट्रल लुक ये क्रिएट कर रहा है। अब जैसा हमारे जो एरियाज़ है ना नेचुरल, स्टिल यू लुक नेचुरल, सो आप इसे एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हैं। सो इसको जस्ट मैं फिंगर टिप में ऐसे लूँगी एंड अपने जो एरियाज़ जहाँ पर हम लोग ब्लश के लिए यूज़ करते हैं जस्ट अपने चीक बोन पे इसको जस्ट इतना सप्लाई कर लीजिए। देन इसका लाइक अगर ब्लश के तौर पे भी यूज़ करेंगे ना बहुत ही अमेजिंग इसका शेड लग रहा है। इसको मैं फिंगर टिप से ही इसको अप्लाई करूँगी। ज़्यादा लगा है बट अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट इसे ब्लश के तौर पे भी यूज़ कर लिया। अब मैं इसको यूज़ करूँगी अपने लिड के ऊपर, आईलिड के ऊपर। सो इसे जस्ट थोड़ा सा अमाउंट में ऐसे अप्लाई करूँगी एंड फिंगर टिप से ही इसको ब्लेंड करना है। ये आपका शेडो का काम भी करेगा। स्टिल ये आपका बहुत न्यूड शेड पे आ रहा है, बहुत ही पीची इफेक्ट दे रहा है तो आपको ये ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि आपने मेकअप किया है। बहुत ही नेचुरल जो लुक है ना वो लगने वाला है। सो नेक्स्ट बात करेंगे लोटस लिक्विड आईलाइनर फॉर हाई शाइन, जेट ब्लैक फिनिश के साथ है और ये वाटर एंड स्मच प्रूफ है और इसका जो फिनिश है ना वो लास्ट 24 आवर्स तक रहेगा। सो इसे हम यूज़ करेंगे। ये यू कैन सी द टिप, इसका जो निब है या टिप आप बोल सकते हैं बहुत ही शार्प है जिससे आप बहुत ही अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा मैं स्वॉच भी दिखा दूँ तो यू कैन सी द स्ट्रोक। सो यू कैन सी द स्ट्रोक और इसको जस्ट में आप थोड़ा सा देखते हैं स्मच होता है कि नहीं। सो इट्स टोटली वाटर एंड स्मच प्रूफ, सो ये आपका प्लस पॉइंट इसमें मिल रहा है। सो इसे मैं क्या करूँगी, इसे एक आईलाइनर लुक क्रिएट करूँगी। बेसिक जो लाइनर है उससे थोड़ा सा मैं आज ना थिक लुक पे जाने वाली हूँ। सो इसे मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा थिक लाइनर बनाऊँगी, विंग क्रिएट करूँगी। जस्ट यहाँ से आप चाहो तो इनर कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं, वॉट एवर यू कम्फर्टेबल, जो भी आपका हैंड्स ऑन है उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ से पहले मैं विंग की तरह मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है एंड नाउ आई कनेक्ट लाइक इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगी यहाँ तक। अब मैं इसको फिल इन करूँगी। हो चुका है। नेक्स्ट अगेन मैं लोटस स्ट्रोक पे मूव होंगी। इसे एक और वे है जो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका जस्ट टाइनी सा अमाउंट जो है मैं यहाँ पर अपने हैंड्स के बैक में अप्लाई कर रही हूँ, लाइक ले रही हूँ जस्ट प्रोडक्ट थोड़ा सा। अब इसे एज अ हाईलाइटर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके जो हाई पॉइंट ऑफ चीक्स होते हैं, चीक बोन्स, यहाँ पर जस्ट आप थोड़ा सा इसे अप्लाई कर लीजिए। टेक्सचर बहुत ही अच्छे से स्मूथली जो है ये ब्लेंड हो रहा है। इसमें आपको थोड़ा सा गोल्ड शिमरी जो शेड है हाइलाइटिंग पर्पस से जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें आपको दिखेगा। थोड़ा सा अपने ब्राउ बोन पे दिस इज माई फाइनल लुक। सो आपको वीडियो कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड लोटस लाइक जो है हर्बल प्रोडक्ट्स है, सो ये आंख बंद करके आप ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट की लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, सो डायरेक्ट आप इनके वेबसाइट में जाके इसको परचेस कर सकते हैं। एंड आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा क्योंकि जो भी इसकी MRP में है, जब मैंने इसको परचेस किया ये मुझे इसमें डिस्काउंटेड प्राइस में मिला है। परचेस करिए, उसमें आपको और अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो है मैं स्क्रीन में मैंशन कर दे रही हूँ, उसे ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज।